सो क्लास अवर टुडेज न्यू टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम द सन। इसका मतलब ये हुआ क्लास कि इसकी जो सनलाइट होती है उसमें आपके कौन कौन से कलर्स होते हैं। तो आपको बता दूं क्लास, अगर मैं सन रेज की बात करूं या सनलाइट की बात करूं, ये हम नॉर्मली देखते हैं एक वाइट लाइट होती है। तो क्लास, क्या सिर्फ इसमें वाइट कलर होता है? नहीं, ये वाइट लाइट कम्बिनेशन होती है सेवन कलर्स की क्लास, और ये सेवन कलर्स आपको दिखते हैं रेनबो में क्लास। जब भी आप रेनबो को देखें उस समय आप ये सेवन कलर्स देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है क्लास कि आप ये सेवन कलर्स रेनबो में ही क्यों देखते हैं? रेनबो के अलावा भी क्लास, आप थ्रू प्रिज्म, अगर आप प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म के थ्रू भी आप ये सेवन कलर्स देख सकते हैं जो वाइट लाइट में होते हैं। तो फिर रेनबो में ये कलर्स कैसे दिखाई देते हैं? जब भी आपकी बारिश होती है क्लास, तो उसमें जो बारिश की बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं लाइक दिस। और जब सनरेज इन बूंदों पर गिरती हैं क्लास, सो ये जो बूंदें होती हैं प्रिज्म की तरह काम करती हैं और ये इस वाइट लाइट को सेवन कलर्स में तोड़ देती हैं। सो हर बूंद इसको सेवन कलर्स में तोड़ेगी क्लास, तो आपको एक रेनबो दिखाई देगा जिसमें आपके कलर्स इस तरह के होते हैं क्लास। विबग्योर, विबग्योर मीन्स क्लास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जब भी आप रेनबो देखें क्लास, तो देख लीजिएगा आपके कलर्स हमेशा इसी फॉर्म में होंगे। क्लास, ये कलर्स आपके वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। आर मीन्स रेड, ओ मीन्स ऑरेंज, वाई मीन्स येलो, जी मीन्स ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। सो क्लास, आपके जितने भी कलर्स बनते हैं वो सब इन्हीं कलर्स कम्बिनेशन से बनते हैं। सो क्लास, अगर मैं कलर्स की बात करूं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं क्लास। अगर रेड, ब्लू और ग्रीन को आप मिलाएं तो ये एक वाइट कलर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास कि आपके जो प्राइमरी कलर्स हैं वो तीन हैं और बाकी कलर्स इनसे मिलके ही बनते हैं। तो इसीलिए क्लास, अगर आप रेड, ब्लू और ग्रीन को किसी एक, अगर आप रेड लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट को किसी वाइट स्क्रीन पर एक जगह पर फोकस करें तो वो लाइट वाइट लाइट बन जाएगी क्लास। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ सेकेंडरी कलर। सो क्लास, दो प्राइमरी कलर्स को मिलाने से आपको एक सेकेंडरी कलर मिलता है। जैसे यहाँ पर रेड और ग्रीन आपके प्राइमरी कलर्स हैं और इन दोनों को मिलाने से आपको येलो मिल रहा है, तो ये येलो एक सेकेंडरी कलर है क्लास। इसी तरह से क्लास, अगर आप ग्रीन और ब्लू को मिलाएं तो आपको सियान कलर मिलेगा क्लास। अगर आप ब्लू और रेड दो प्राइमरी कलर्स मिलाते हैं क्लास, तो आपको मैजेंटा कलर्स मिलेगा। तो इस तरह से क्लास, आपके जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो ये तीन होते हैं और जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो ये तीन होते हैं, येलो, सियान और मैजेंटा। सो दीज थ्री आर योर सेकेंडरी कलर्स। क्लास, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कलर्स ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो क्लास, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका कलर कैसे दिखाई देता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कलर क्लास, तो आप इसको पहचान सकते हैं, ये एक रेड कलर है और ये एक ब्लैक कलर है। तो आपको क्लास कैसे पता चला कि ये रेड है और ये ब्लैक है? इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा क्लास कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम वाइट लाइट में देखते हैं। अंडरस्टैंड? सो जब वाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वाइट लाइट का मतलब हुआ क्लास सेवन कलर्स, विबग्योर। तो इसका मतलब ये जब विबग्योर किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो इस वाइट लाइट में, सपोज मैं अगर इस रेड बॉक्स की बात करूं क्लास, तो ये हमें रेड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सारे कलर्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्लास। अंडरस्टैंड? ये VIBGYO ये सारे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और केवल क्लास रेड कलर ही इससे रिफ्लेक्ट होता है। और ये रिफ्लेक्ट रेड कलर जब हमारी
आँखों में गिरता है तो हमें वो चीज़ रेड कलर की दिखाई देती है। इसी तरह से क्लास, कोई ऑब्जेक्ट ब्लू क्यों दिखाई देगा? तो क्लास, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ब्लू वाइट लाइट की प्रेजेंस में ही दिखाई देता है। और इस वाइट लाइट की प्रेजेंस में जब वाइट लाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये केवल ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सारे कलर्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर उस समय हमारी आँखें सिर्फ ब्लू कलर को देखती हैं और ये हमें ब्लू दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्लास, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं वो इसलिए दिखाई देते हैं कि उनसे वो कलर रिफ्लेक्ट होता है और बाकी सारे कलर्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट हमें हर कलर क्लास जो दिखाई देता है वो हमें सनलाइट या फिर वाइट लाइट की प्रेजेंस में ही दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? बट कई बार आपने गौर करा होगा क्लास कि अगर आपके घर पे या कहीं और कोई दूसरा कलर आ जाए, माने कोई लाइट आपकी जो हो वो चेंज हो, लाइक अगर आपका घर में जो बल्ब है वो ग्रीन हो, क्लास सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन लाइट, आपके घर में जो बल्ब है वो ग्रीन बल्ब है क्लास, तो क्या उस समय भी आपको हर ऑब्जेक्ट सेम कलर का दिखाई देगा? नो क्लास। सो क्लास, अगर मैं बात करूँ रेड रोज़ की, इट मीन्स ये रेड रोज़ रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है क्लास। लेकिन अगर आप इसको एक ग्रीन लाइट के रूम में ले जाएं तो इस पे कौन सी लाइट गिरेगी क्लास? ग्रीन लाइट गिरेगी। और आपको पता है क्लास, अगर इसमें ग्रीन लाइट गिर रही है तो ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर वाइट लाइट नहीं है क्लास, और अगर वाइट लाइट नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा क्लास, सिर्फ ग्रीन लाइट यहाँ पर है तो ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा क्लास। और जब कोई चीज़ क्लास या कोई ऑब्जेक्ट कुछ रिफ्लेक्शन नहीं करता है तो वो कलर हमें दिखाई देता है ब्लैक। इसलिए ग्रीन लाइट में रेड रोज़ ब्लैक दिखाई देगा। इसी तरह से क्लास, अगर ब्लू लाइट भी हो तो ब्लू लाइट में भी हमें रेड रोज़ ब्लैक दिखाई देगा। अंडरस्टैंड क्लास? और मैं इसी रेड रोज़ की बात करूं क्लास, अगर आपके पास रेड लाइट हो और वो इसके ऊपर गिरे तो आपको पता है क्लास कि रेड रोज़ रेड लाइट को, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर रेड लाइट इसके ऊपर गिर रही है तो ये और ज़्यादा रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा या रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपका जो रोज़ होगा क्लास वो और ज़्यादा ब्राइट रेड दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? सो क्लास, अगर आपका रोज़ है और उसमें ब्लू या ग्रीन लाइट गिर रही है तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये हमें दिखाई देगा ब्लैक। और वही रोज़ क्लास अगर रेड लाइट में हम उसे देखें तो ये और ज़्यादा रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा क्लास, तो ये हमें ब्राइट दिखाई देगा और ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कि हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो वाइट लाइट के कारण ही उस कलर का दिखाई देता है। क्लास, आप सबको पता है व्हाट इज़ वेवगियर? तो क्लास, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ऑब्जेक्ट, अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो क्लास ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है और ये ब्लैक, ये लिखा हुआ है ये रेड दिखाई दे रहा है। क्यों क्लास? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट, क्लास याद रखना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये आपको ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है क्लास? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर दे रहा है और सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि आपकी आंखों तक आ रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट, क्लास इस समय जो आप लाइट देख रहे हैं कि वाइट लाइट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट आपका ये ब्लू ऑब्जेक्ट ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स एक्सेप्ट ब्लू ये एब्जॉर्ब कर दे रहा है। अगर मैं ब्लैक की बात करूं क्लास, सो ब्लैक मीन्स ये सारे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर दे रहा है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। और ये जो लिखा हुआ है मैंने क्लास, ये आपको रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके अलावा सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर क्लास ये मैं इस पेज की बात करूं, ये आपको वाइट क्यों दिखाई दे रहा है क्लास? ये पेज वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है
क्योंकि ये सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो क्लास, इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट जो भी कलर आपका रिफ्लेक्ट होगा आपको वही कलर दिखाई देगा। I should fuck her in the best.